बिहार के मुजफ्फरपुर में एक 28 वर्षीय युवक की मौत का मामला सामने आया। वह अपने रिश्तेदार को पहुंचाने गया था, वहां से लौटने के दौरान तेज़ रफ्तार वाहन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मामला जिले के औराई थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान शंकरपुर गांव निवासी अनिरुद्ध बेटा के 28 वर्षीय पुत्र मुकेश बेटा के रूप में की गई। मिली जानकारी के मुताबिक वे सीतामणि अपने रिश्तेदार को पहुंचाने गए थे। वहां लौटने के क्रम में नेशनल हाईवे 77 पर अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए, जिस कारण घटनास्थल पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मौके पर भीड़ जुट गई। लोगों ने देखा तो उनके परिजनों को हादसे की सूचना दी। क्या घटना घटी है? सीतामढ़ी गया था, छोड़ने गया था, आदमी के उधर से लौट रहा था, ठोकर मार दिया। अच्छा, कब की घटना है ये? कल के। अच्छा, कितने बजे की? 6 बजे। अच्छा, क्या करता था वो लड़का? मजदूरी करता था। अच्छा, शादी हुआ था? हाँ। कितना दिन पहले? 2014 में। अच्छा, बच्चे भी हैं? हाँ, 3 हैं। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ संजय बैठे। कौन हुए आप? उनका जीजा। अच्छा, कौन पंचायत है ये गाँव? पंचायत। अच्छा, गाँव शंकरपुर। क्या घटना घटी है? वो लड़का कहीं रिश्तेदारी में सीतामढ़ी जा रहा था, वो लेके किसी आदमी को। अच्छा, ठीक है, छोड़ने। हाँ, हाँ। वो छोड़ के आ रहा था जी, तो रास्ते में उसको ठोकर लग गया। शाम का समय था, कोई देख नहीं पाया। अच्छा, मतलब क्या करता था वो लड़का? लड़का मजदूरी कर रहा था। क्या नाम था उसका? मुकेश बैठा। पिताजी का नाम? अनिरुद्ध बैठा। कहाँ घर है उनका? शंकरपुर। अच्छा, तो अभी आप लोग कहाँ भेजे हैं डेड बॉडी को? अभी मेडिकल भेजे पोस्टमार्टम के लिए। अच्छा, कब की घटना है ये? कल शाम की घटना। अच्छा, क्या ये मतलब आपका क्या परिचय हुआ? हम उप मुखिया। नाम क्या है? अब्दुल कादिर। कौन गांव है ये? शंकरपुर।